हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडो वेस्ट किचन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्रत की एक ऐसी रेसिपी जो बनाने में बहुत इजी लेकिन यूनिक है। व्रत में कढ़ी चावल आपने नहीं सुना ना, तो मैं बता रही हूँ। उसके लिए मैंने एक बड़ा कप छाछ लिया है, आपके पास छाछ नहीं है अगर तो आप एक कप दही लें और उसको मत कर उसमें डेढ़ गुना पानी डालें। एक कप दही है तो डेढ़ कप पानी ऐड करें और उसको अच्छे से मथ लें। और ये मैंने कुट्टू का आटा लिया है, इसको छान लिया है। इसमें मैं एक टेबल स्पून और आधा डेढ़ टेबल स्पून कुट्टू का आटा डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते हैं तो रोज रोज तला भुना खाना खाकर परेशान हो जाते हैं, तो इसके लिए ये मैंने घर में 3 बार बनाया है तब आपको बता रही हूँ। ये अच्छे से घुल गया है। आधा टीस्पून मैं इसी में नमक डाल रही हूँ, व्रत वाला सेंधा नमक। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे। व्रत में हल्दी नहीं खाते हैं तो इसलिए हल्दी नहीं डलेगी, उसमें तो हम बेसन की कढ़ी बनाते हैं। और याद रहे मैंने इसको कम से कम घर में 2-3 बार बनाया है तब जाके आपको बता रही हूँ। ये मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर। इस पे 1 टेबल स्पून हम तेल डालेंगे, रिफाइंड या देसी घी जो भी आप खाते हो। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, थोड़ी सी राई, 1 हरी मिर्च को चीर देंगे बीच में से। राई थोड़ी सी चटकती है तो इसलिए ढक लें इसे। 4-5 पत्ते करी पत्ता और फिर इस मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। एक उबाल आने देंगे और फिर इसको हम ढक देंगे और करीब 7-8 मिनट इसको पकाएंगे सिम पर। एक उबाल आ गया है, मैं गैस को सिम कर रही हूँ और इसको ढक दूंगी। मैं इसको दूसरे बर्नर पर रख रही हूँ और आपको इसके लिए पकोड़े बता देती हूँ। ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं 2 बड़े, इनको अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच 1.5 चम्मच कुट्टू का आटा डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अमचूर और 1 हरी मिर्च काट कर डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको बहुत सख्त नहीं गूथना है। अब हम इसके पकोड़े तैयार करेंगे। थोड़ा गोल सा बनाएं। ये पकोड़े मैंने बना लिए हैं आलू और कुट्टू के, और इधर मेरी कढ़ी भी तैयार हो गई है। अब हम इसमें ये पकोड़े डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और 1 उबाल लगाएंगे। फ्रेंड्स, इसे आप नवरात्रि में जरूर बनाएं और मुझे जरूर बताएं आपको कैसा लगा मेरा ये कढ़ी चावल का आइडिया। अभी मैं आपको इसके बाद चावल बनाना बताऊंगी। ये कढ़ी तैयार है। ये मैंने 1/2 कप चावल लिए हैं, सामक के चावल जो व्रत में इस्तेमाल करते हैं। उनको हम पानी से धो लेंगे अच्छे से। उधर मैंने कढ़ाई रख दी है गरम करनी, इतने कढ़ाई गरम होती है इतने मैं चावल धो लेती हूँ। इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, थोड़ा सा जीरा, जीरे को थोड़ा ब्राउन होने देंगे और इसमें हम ये चावल डाल देंगे।
इनको 10 सेकंड के आसपास हम भूनेंगे और फिर इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे। ये मैं चावल आप जिस भी बर्तन से नापें उसी से ही पानी डालना है। अगर आपने आधा कटोरी चावल लिए हैं तो आपको 1 कटोरी पानी डालना होगा। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे व्रत वाला। अब हमारे इसमें उबाल आ गया है और अब इसको हम करीब 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ढककर। अब ये चावल मैंने एक प्लेट में निकाल दिए हैं और ये कढ़ी भी मैंने एक बाउल में निकाल ली है। खीरे के साथ, नींबू के साथ, हरी मिर्च के साथ आप इसको सर्व कीजिए और कढ़ी में इसमें देसी घी डालिए ऊपर से। क्या गजब टेस्ट आएगा आपको, आप इसको ज़रूर बनाइए, नवरात्रों में एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।